तो दोस्तों आज मीटिंग है और हम वर्किंग पे निकल रहे हैं, पहले उसमें काम करेंगे, उसके बाद मीटिंग अटेंड करके जब हमारा टाइम आएगा तब। तो आज हम टाइल तैयार है, मंदिर की टाई बैग में रखी है, लगाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज कैसा होने वाला दिन। किसने बनाई है? वाह भाई वाह, अब भगोनी खालेगा क्या? भगोनी खालेगा क्या? तो बन गई है मैगी, बनाई है बिट्टू ने। ओ भाई साहब, बहुत सारी, बहुत बहुत बनाई है। तीन पैकेट, तीन पैकेट ज़्यादा मैगी नुकसान करती, पता है? अरे कभी कभी, कभी कभी खाते हो? चलो ठीक है, तो करो एंजॉय। तो आज का ब्लॉग ऐसा ही है, सोसो और बिट्टू बैठा है। बिट्टू कैसा है, दिन कैसा रहा? अच्छा। बिट्टू ने बहुत मैगी खाई आज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, तो बहुत मैगी खाई है ऋषि ने और बिट्टू ने। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्कूल जा रहा हूँ अभी, ऋषि भैया भी जा रहे हैं, बिट्टू भैया तो ब्रश कर रहे हैं। तो ऋषि भी जा रहा है और तुम भी जा रहे हो स्कूल है? हाँ। तो बिट्टू भाई ब्रश कर रहा है? हाँ। अरे ब्रश बाथरूम में करते हैं कि यहाँ करते हैं? बस। तो दादी धनिया काट रही हैं, पोहा बन रहा है नाश्ते में। तो दोस्तों बाबू जा रहा है स्कूल और हम जा रहे हैं मुरैना। तो मुरैना से लौटेंगे हम शाम को, तो देखते हैं आज मुरैना में क्या होने वाला है, कुछ नया मिलेगा तो मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि कल का दिन बहुत ख़राब रहा, मज़ा नहीं आया, मीटिंग थी अच्छी नहीं गई, बेकार थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर मुरैना में। Six hours later. तो गाइस वर्किंग हो गई है और हम और हरि नारायण आ गए हैं उड़िया गया, काम खत्म हो गया है। तो अब आज फिर से मिल गए हमको दोनों, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत देर बाद मिले हैं और करीब 10 मिनट हो गए इनको ढूंढते ढूंढते। तो अब जो मिल गए मुझको रमन और आदि, ये दोनों कजिन हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। क्या बात है, देख रहे हो आप क्या बढ़िया बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया है आज का दिन, कल का तो खराब था, आज का अच्छा है, तो मैं मिल लिया हूँ इनसे। तो मिल गए आज ओपी सर, और ओपी सर जीपी सर के छोटे भाई हैं, तो जीजाजी हैं मेरे वैसे, लेकिन मैं इन दोनों लोगों को ओपी सर और जीपी सर बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत मज़ा आया इनसे मिल के, और अब हम निकलेंगे। और आदि देखो अपने पापा के साथ कैसे सेट है। हाँ, तो चलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं ले आया हूँ आपको गुड़िया की किचन में, आपने मेरी किचन तो देखी है, गुड़िया की देखी, आज गुड़िया की दिखाया था, हालांकि जो लोग मना करते हैं हमारी किचन में लेके मत आया करो, राधा भी कहती है, जे भी कहती है, मैं ले आया हूँ अंदर लेकिन मैं। और बन रहे पोहे हमारे लिए, अब यहाँ से हम पोहे खा के निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। और गाजर का हलवा भी खा के निकलेंगे, गाजर का हलवा भी रखा हुआ है, तो हम खा के निकलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, छाया दीदी बना रही हैं गाजर का हलवा, तो हमने खा लिया, बहुत मस्त था। हरि नारायण ने भी खा लिया, हरि नारायण कैसा लगा? एक नंबर लगा, हमने पोहे भी खा लिए आज दो बार पोहे हो गए, सुबह भी और शाम को भी ना। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। और तो दोस्तों आ गए हैं, बहुत मशक्क़त के बाद मंदिर है, चप्पल उतार रहे हैं, जूते उतार देते हैं, और ये मंदिर में हम पहुँच गए, बजरंग बली का मंदिर है ये बजरंग बली, और शिव जी विराजमान है बाहर, महाराज जी बैठे हैं, वो अपन को बताएंगे इस मंदिर के बारे में। तो पहले आप मंदिर देख लीजिए, फिर मैं आपको उनसे बात करके बताता हूँ क्या है। तो ये बहुत बन गया है, बहुत पहले आया था, तो ये पत्थर का जो दिखाई दे रहा है इतनी बना हुआ था, कहते हैं महाभारत के युग का बना हुआ मंदिर है ये। तो चलिए पंडित जी से बात करते हैं और वो अपन को बताएंगे क्या है। तो दोस्तों कहते हैं कि कुंती जी ने यहाँ सूर्य भगवान का आह्वान किया था, और तो ये सूर्य भगवान जब अपने रथ के साथ आए थे, तो अभी मैं आपको नीचे ले चलूँगा तो दिखाऊँगा वहाँ पे पैरों के, घोड़ों के, टापों के निशान बने हुए हैं उस पत्थर पे। तो दोस्तों बाकी जो कुछ कितना प्राचीन है क्या है वो अगर पंडित जी हमको बताएंगे तो मैं आपको
ले चलता हूँ दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नज़ारा है, तो काफ़ी प्राचीन है। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ आपको श्री राम दरबार, और ये देखिए विराजमान है बजरंग बली, श्री रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी। अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये देखिए यहाँ मंदिर, जो मंदिर जिनके लिए बना हुआ है, ये कुंती देवी की मूर्ति है बनाई गई यहाँ पर, और यहाँ पर माता कुंती ने भगवान सूर्यदेव का आह्वान किया था और सूर्यदेव प्रकट हुए थे तो कर्ण हुए। बहुत शांति है। तो दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ उस नदी में जहाँ पर कुंती जी ने भगवान सूर्य का आह्वान किया था, क्योंकि यहाँ की मैं आपको विशेषता बताऊँ, मंदिर ये आप सामने देख सकते हैं जहाँ मैं अभी अंदर आपको लेके गया था। तो कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा ने यहाँ पे चातुर्मास किया था, तो देवसैनी एकादशी से 4 महीने पहले उन्होंने व्रत किया था एकादशी का, तो चातुर्मास बोलते हैं। तो उस व्रत में उनकी सेवा कुंती जी ने की थी, तो सेवा से प्रसन्न होके दुर्वासा ऋषि ने कुंती जी को कुछ मंत्र दिए थे जिससे देवताओं का आह्वान करके और देवताओं को बुलाया जा सकता है। तो उन्होंने वो आह्वान किया ट्राई करने के लिए, वो नदी में आई और यहाँ पर उन्होंने आह्वान किया एक देखने के लिए कुछ होता है कि नहीं होता है, और सूर्य भगवान प्रकट हो गए। अभी मैंने आपको सूर्य भगवान की मूर्ति दिखाई थी, वो इसीलिए यहाँ बनी हुई है। तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उन्होंने पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तो कुंती माता ने कहा कि मैंने तो केवल ये देखने के लिए बुलाया कि ऋषि ने जो मुझे मंत्र दिए हैं उनका कुछ मतलब है कि नहीं है। तो भगवान बोले ऐसे आप नहीं बुला सकती, तो आपको पारितोष के रूप में आपने मुझे बुलाया है, उसी रूप में मैं आपको ये बालक दे जाता हूँ। तो बालक दे दिया, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था उस समय तक, तो लोक लाज की वजह से उन्होंने बालक को इसी नदी में प्रवाहित कर दिया था, और वो बालक बड़े होकर दानवीर कर्ण बने और महाभारत में अपना पराक्रम दिखाया। तो ये यहाँ की मान्यता है, जो मैं साधु जी से सुनना चाहता था। मैंने जैसे भी आपको बोला कि साधु जी कुछ बताएंगे, लेकिन साधु जी ने बताया नहीं कि वो, उन्होंने बताया कि अभी वो नहीं बता सकते हैं, अभी मुद्रा नहीं थी इस तरह की बताने के लिए, बात करने के लिए। तो ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ा बगल से, वो जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने मुझे बताया। तो पंडित जी ने मुझे बोला है कि अगली बार जब आप आएँ तो मैं आपको पूरे विस्तृत बताऊँगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी जगह है, और नदी की ये विशेषता है कि अभी पानी भरा हुआ है, तो गर्मियों में जब हम यहाँ आते हैं तो गर्मियों में जो पत्थर यहाँ हैं उन पत्थरों पर घोड़े के टाप बने हुए हैं, मतलब घोड़ों के पैरों के निशान बने हुए हैं। यहाँ सूर्य देवता उतरे थे तो उनके पैरों के निशान पत्थर पर बन गए थे, क्योंकि पत्थर में नॉर्मली निशान तो कोई बना नहीं सकता, वो बड़े बड़े निशान हैं। मैंने पहले देखे, मैं पहले कभी आया था तब। तो दोस्तों मैं अब गर्मियों में जब आऊँगा, कभी ऐसा मौका निकाल के आऊँगा गर्मियों में, तब मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ वापस। तो हमारी गाड़ी हो गई है पंचर, कैसा लग रहा है? चलो अब देखते हैं। ये तो अच्छा है कि पास में दुकान थी पंचर वाली, तो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। चलो देखते हैं क्या है। A few moments later. तो दोस्तों पहुंच गए हैं घर, और ये देखो लगे हैं मोबाइल के कीड़े, मोबाइल में देख रहे हैं, ये दोनों कीड़े लगे हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी भी चलती रहती है कुछ ना कुछ, देखो यूट्यूब भी चलता रहता है जब देखो तब। और बिट्टू भाई बैठे हैं क्रीम व्रीम लगा के, चोट लग गई है, कैसे लग गई? चलो कोई बात नहीं, लगती रहती बच्चों के। तो क्या प्रोग्राम है भाई लोग? बस ये प्रोग्राम है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में ना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही समाप्त करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं ये बोलना चाहूंगा, तो इसी की बात आपने समझ ली होगी। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।